दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन दिमाग में याद नहीं रख पाता हूँ, भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो सभी चीज़ों की एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यहाँ की आपकी जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा है कि जैसे कि पेट की कैपेसिटी होती है कि जितना आप खाते हैं उतना ही पचा पाते हैं, बहुत अधिक खा लेंगे तो फिर अपच हो जाएगी, है ना। और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ा देते हैं, किसी खुराक बहुत ज़्यादा होती है तो वो जिम जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो वो लोग खाना ज़्यादा अच्छा खाते हैं। उसी प्रकार इसको भी आपको काम पे लगाना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि पढ़ता तो बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन याद नहीं, तो पढ़ने के लिए आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको किताब दे दी, आप लोग क्या करेंगे, उसको रीड कर देंगे, पढ़ देंगे और निकल जाएंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पेंसिल लेकर के बैठे रहते हैं और उसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं किताब को, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उससे इसका विकास नहीं होता, इसके ऊपर कुछ लोड नहीं आता। इसके ऊपर लोड कब पड़ेगा, इसका एक्टिविटी कब बढ़ेगा, इसकी क्षमता कब बढ़ेगी, जब आप लिखेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बता दिया आपको, गांधी जी के बारे में कोई किताब दे दी, आप उसको बिना सोचे, सोचने की जरूरत है नहीं पढ़ने के लिए, आप उसको अंडरलाइन करके पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं मैंने आपको चार पन्ने खाली दे दिए और बोला कि इसमें गांधी जी के बारे में कुछ लिखिए, तो आपका एक एक अक्षर जो लिखना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने से क्या होगा, दिमाग पे जोर आएगा, दिमाग पे जोर आएगा तो दिमाग की एक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी जो क्षमता है दिमाग की वो बढ़ेगी, आपको चीज़ें याद रखना स्टार्ट हो जाएंगी। जो अभ्यर्थी को मेंस लिखना है या अच्छे एग्जाम की तैयारी करना है या अपनी शक्ति बढ़ाना है, आपको याद रखना है सारी चीज़ों को, तो कम से कम डेली 20 पेज आपको रिटर्न का काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, भूल रहा हूँ मैं, तो एक सभी किताबों के साथ एक ऑब्जेक्टिव की किताब भी आती है, ठीक है। जैसे कि लूसेंट की आप किताब लेने जाएंगे, बुक लेने जाएंगे, तो लूसेंट का एक सामान्य ज्ञान थ्योरी भी मिलता है और उसकी वस्तुनिष्ठ भी बुक आती है। तो जिस चीज़ को आप सवेरे पढ़े हैं, अगर आप शाम को उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना, मतलब ऑब्जेक्टिव की चार ऑप्शन में से टिक करने वाला, तो निश्चित मानिए आपकी जो हैबिट है गलत होने के एग्जाम में वो भी सुधर जाएगी और आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़े हैं और शाम को उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए उस टॉपिक का। जैसे आपने इतिहास का, प्राचीन इतिहास पढ़ा है, तो उसको जाकर के अभी उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका लेखक कौन है, ये इमारत किसने बनवाई है, इसकी राजधानी है, इसकी स्थापना किसने की, ये आपसे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप जब लिखेंगे टिक करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें से किस में टिक करूँ। जहाँ भी आपको सोचने का जरूरत पड़ेगी ना, वहाँ पर आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी और दिमाग क्या हुआ, कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा आप लोगों को, दो पॉइंट हो गए। पहला ये है कि आपको डेली कम से कम 10 से 20 पेज लिखना है। लिखने वाला काम करेंगे तो आप एक शब्द नहीं लिख सकते बिना सोचे हुए, आपको दिमाग में जोर लगाना ही पड़ेगा। किसी के बारे में कुछ लिखने के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे आप कुछ नहीं लिख सकते। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि जिस भी चीज़ का आप थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का थ्योरी पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लिए तो यकीन मानिए कि आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम में आएगा तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तीसरा यह है कि दिमाग की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए या तो आप प्राणायाम कीजिए, शांति से कुछ देर बैठिए, या तो अगर नहीं है ऐसा तो एक गेम है शतरंज का, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अध्ययन करते रहते हैं उनको ये खेल जरूर खेलना चाहिए। डेली एक गेम खेलिए, आधे घंटे का समय लगेगा। शतरंज के खेल में क्या होता है, सामने वाला जो आपका विरोधी रहेगा वो भी शांति से बैठ के ध्यान एक जगह केंद्रित करेंगे और आप लोग भी ध्यान एक जगह अपनी चालों पे केंद्रित करेंगे, या तो अपने मोबाइल पे भी आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। जिसको शतरंज खेलना नहीं आता तो आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपको चालें बताई जाती हैं कि इसको चलने से यहां जाएंगे, इसको चलने से यहां जाएंगे। तो कोई भी ऐसा खेल खेल रही जहां पे दिमाग आपका एक्टिव हो, आपका दिमाग कार्य करने लगे, इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो ये यकीन मानिए कि आप नहीं भूलेंगे। इसमें सबसे इफेक्टिव तरीका पहला वाला है जो मैंने सबसे पहले बताया, कि अगर आप डेली 10 से 20 पेज लिखते हैं कोई चीज़ों को, तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी अधिक समय तक, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई के फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग भी डेली का डेली अपना डायरी लिखने वाला काम करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी सुबह उठने से लेकर के मैंने किससे मिलना है, आज क्या करना है, शाम को क्या किया मैंने, रात में सोने तक का, ये सारी चीज़ जारी सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी अगर 10-15 पन्ने लिख रहा है तो अगर अपना डेली रूटीन देखता है तो भी वो डायरी भी लिखने का वाला काम, ये भी काम कर सकता है, ठीक है। डेली रूटीन देख करके अपना शाम को सोने से पहले आप एक डायरी को मेंटेन करिए, तो आप पीछे पन्ने कहीं पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ कर दिया है, मूवी में व्यर्थ कर दिया है या क्रिकेट खेलने में व्यर्थ निकल गए समय। तो वो सब चीज़ को आप आगे सुधार करते जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, आपकी जो सफलता है वो आपके दैनिक दिनचर्या पर निर्भर करती है।
आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे, आगे कोई चीज अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपकी दैनिक दिनचर्या, आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, वैसे ही आप सोचेंगे, वैसे ही अपना आप कार्य करेंगे। तो होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद।